ताजनगरी आगरा के वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आगरा का एयर एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने आगरा मॉडल को आदर्श बनाने पर जोर दिया, जिसे इससे प्रदेश के दूसरे शहरों में भी लागू किया जा सके। लॉन्च एयर एक्शन प्लान को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बनाया है। यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम और क्लीन एयर एशिया ने सहयोग किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे अप्रूव्ड किया है। जो आज हमने एयर एक्शन प्लान ये लॉन्च किया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 102 शहर ऐसे नापे गए हैं जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के नॉर्म्स को पूरा नहीं करते। आगरा शहर जो है उनमें से है, चौथे नंबर पर है। इसलिए एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसमें मुख्य रूप से जो है जो पार्टिकुलेट मैटर है वो ज़्यादा है, 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा एक इंडेक्स होता है, 10 माइक्रोन से ज़्यादा का एक और इंडेक्स होता है। वो इंडेक्स बाकी हमारे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो ठीक है, मगर ये दो में मुख्य रूप से समस्या है। इसके लिए एक यहाँ पर यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशंस का, वो उनके साथ और क्लीन एयर एशिया के साथ बैठकर ये प्लान बनाया गया। और इसे इस प्लान को आज जो बनाया है ये उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड ने तैयार किया है। इस प्लान को जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने अप्रूव कर दिया है, उसे आज हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं, उनको हम कैसे चेक करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि वाहन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधन बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए आगरा में मेट्रो आ रही है और 100 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी, जिसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बायोफ्यूल और क्लीन फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर किया जाएगा। जो ये व्हीकुलर प्रदूषण है जो वाहनों से जनित है, उसमें हम ये प्रयास करेंगे कि वाहन, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो वहाँ पर, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। DPR ऑलरेडी मेट्रो का बन रहा है। इसी के अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ रही है, तो आगरा में अब यहाँ पर जो बैटरी की बसेज हैं वो चलेंगी, यहाँ इस पर हम फोकस करेंगे। फिर जो ये इसके फ्यूल्स हैं, जो ईंधन है इसका, उसमें भी CNG की व्यवस्था या उसमें बायोडीजल ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करने का ये प्रयास करेंगे। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग और अवशेष को बाहर ले जाने को पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर दिया और 10 शहरों को स्मार्ट सिटी और 60 शहरों को अमृत योजना में आच्छादित किया जा रहा है। तीसरी चीज़ जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, उसमें जहाँ जैसे वो हमारे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल्स बने हुए हैं, उसमें जहाँ जहाँ पर ये व्यवस्था करने की कि उसे ढकना चाहिए, जहाँ कार्य हो रहा, निर्माण हो रहा है, वहाँ पर पर्दे लगने चाहिए, और यदि नहीं होता है तो उस पर चालान होना चाहिए। जो ईंट के भट्टे हैं उनको ZigZag टेक्नोलॉजी पर आना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस प्रकार की वहाँ पर। फिर जो कूड़ा है, कूड़े के निस्तारण, जलाना नहीं चाहिए, कूड़े के निस्तारण का उसका एक वहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है उसके तहत डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था जो है उस पर विचार करने की। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारे इस तरह के स्टेप्स हैं जो कि इसमें प्रपोज किए गए हैं, कैसे हम ये जो वायु प्रदूषण है इसे कम कर सकें। इसकी इस योजना के लॉन्च के मौके पर विशेष सचिव पर्यावरण, DMADA उपाध्यक्ष, CDO नगर आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। पंजाब केसरी TV के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।